दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ मैथमेटिक्स का कौन कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज का है, यानी कौन सा यूनिट कितनी वेटेज का है और कौन सा यूनिट पढ़ करके आप, यानी कौन सा एक चैप्टर पढ़ करके आप आराम से पास हो सकते हो, कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों जितने बच्चे कंपार्टमेंट वाले इंप्रूवमेंट वाले खास तौर से इस वीडियो को देखें, और दोस्तों जो भी आपके फ्रेंड्स सर्किल हैं सबको इस वीडियो तक ज़रूर शेयर करिए ताकि सबको इस बात को पता चल सके कि कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का है, कौन सा यूनिट। ठीक है दोस्तों, अब चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों देखो सबसे ज़्यादा जो नंबर का आने वाला दोस्तों, आपको देखो यूनिट नंबर 2 में लिखा हुआ अलजेब्रा, अलजेब्रा 20 नंबर का अकेले आएगा दोस्तों। अब देखो आपने क्लास चलेंगे दोस्तों ये वीडियो, ठीक है। अब अगर आपने मान लो अक्सर बच्चे दोस्तों मिनिमम जो नंबर पाए हैं 16 नंबर पाए हैं प्रैक्टिकल मार्क्स में, ठीक है। अगर जो बच्चा 16 नंबर प्रैक्टिकल में पाया है तो यानी उसको कम से कम 17 नंबर पा जाएगा तो पास हो जाएगा वो। अब 17 नंबर आएगा कैसे, अब एमसीक्यू भी रहेंगे उसके अंदर। अब देखो सिर्फ अलजेब्रा अगर आपने पढ़ लिया तो 20 नंबर का ये अकेला है, यानी अगर एक चैप्टर भी आपने पढ़ लिया ना तो आप आराम से पास हो जाओगे अलजेब्रा वाला, ठीक है। और अगर अगर आप इसी के साथ ज्योमेट्री या आप जो है ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ लेते हो तो आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। परेशान होने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। और अक्सर बच्चे दोस्तों 20-20 नंबर भी पाएँ तो जो 20 नंबर पाएँ उनको सिर्फ 13 नंबर चाहिए, तो अलजेब्रा चाहे पढ़ लें चाहे ज्योमेट्री पढ़ लें चाहे दोनों पढ़ लें, आराम से आप पास हो जाओगे, ठीक। अब देखो वन बाई वन आपके यूनिट्स में आपको बता दे रहा हूँ। देखो नंबर वन में जो आएगा नंबर सिस्टम में वो 6 नंबर का आएगा, नंबर टू अलजेब्रा है उसमें 20 नंबर का आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 6 नंबर का है, ज्योमेट्री 15 नंबर का, ट्रिग्नोमेट्री दोस्तों 12 नंबर का, इसी तरह से मेंसुरेशन 10 नंबर का है, और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपका 11 नंबर का, कुल मिलाकर के 80 नंबर का दोस्तों ये आपका हुआ, ठीक है पेपर। तो अब आपको ध्यान देना है कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। अक्सर चैप्टर तो आपके रिवाइज सिर्फ आपको करना होगा, और कुछ चैप्टर ऐसा होगा जहाँ पर आपको अच्छे से मेहनत करना होगा। तो दोस्तों मेरी राय मानो तो अलजेब्रा बढ़िया से पढ़ लो, ज्योमेट्री बढ़िया से पढ़ लो, या मेंसुरेशन बढ़िया से पढ़ लो, तो आप आराम से पास हो सकते हो। कोई क्वेश्चन तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, आपके हर क्वेश्चन दोस्तों मैं पूरी जवाब देने की कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।